वेलकम टू द टेल विथ रिचा। ये पैरिस पोर्ट पे आए हैं हम, सेंटोरिनी से। ये एथेंस में ही एक जगह है। मैं ओवरनाइट स्टे अपने होटल में पैरिस पोर्ट के बिल्कुल पास में एक होटल में किया था, ताकि मुझे ज़्यादा रात को ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि मैं 12 बजे पहुंची थी। बहुत ही कंफर्टेबल होटल था ये। यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करने के बाद अब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के अब अपने मेन होटल में जा रही हूँ, एंड वहाँ पे आराम से फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं घूमने के लिए निकलूँगी। तो ये मेरा होटल है एंड काफ़ी अच्छा था। ये अपार्टमेंट स्टूडियो जैसा था एंड अंदर से काफ़ी अच्छा था। एक लुक देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से मेरा रूम है। काफ़ी स्पेशियस रूम था। बच्चे हैं आपके साथ तो आराम से स्टे कर सकते हैं। एंड एक अलग से और एक और रूम था, बाथरूम था, तो काफ़ी अच्छा था। ये छोटा सा बना रखा है कि अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बालकनी से निकलते से ही सब कुछ दिख रहा था। एथेंस काफ़ी अच्छी सिटी थी एंड काफ़ी चीपर सिटी थी अब तक मैंने जो भी यूरोप में घूमा था उसके कंपैरिजन में। होटल के वहाँ से ही 1.5 किलोमीटर पे एक्रोपोलिस करके एक जगह थी, जो कि एक मेन पॉइंट है, एंड वहाँ से ही मैंने अपनी बिग बस की थी। यहाँ पे भी बहुत सारी बसेस चलती है, आपको जो बस लेना है वो करिए। वहाँ से 3 रूट चलते हैं। एक पैरिस रूट होता है, एक एक्रोपोलिस वाला है जिसके अंदर ये सारे मेन मेन हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, और एक बीच वाला आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे बीचेस हैं। तो ये एक्रोपोलिस दिख रहा है हमें दूर से। एक्रोपोलिस एक हिल का नाम है। तो बस देखिए, अब हमने यहाँ से बस ले ली, अब हम जा रहे हैं अपना पूरा का पूरा कवर करने के लिए। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो बस में मेंशन करते चलते हैं। आपके पास पूरा का पूरा मैप होता है तो आप देखते हुए चलिए। तो मैंने एक दिन में अपना ऑलमोस्ट ये जो रूट था मेरा एक्रोपोलिस वाला पूरा कवर कर लिया था। मेन मेन पॉइंट्स मैंने देख लिए थे, फिर ये बीच वाला पॉइंट था वो भी था। तो मैंने 2 दिन के लिए लिया था एक्चुअली, एंड मैंने सेकेंड डे भी काफ़ी कुछ घूमा था। तो अगर आपको ये सब करना है कि आपको 2 दिन का लेना है, 3 दिन का लेना है, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। वो काफ़ी कम्फर्टेबल होती है। आपको जिस भी बीच पर रुकना है आप आराम से रुकिए एंड वहाँ पर इन्जॉय करिए, फिर से बस में चढ़ जाइए। तो ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है कि बार बार इधर से उधर जाने का टेंशन नहीं रहता, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हैं। अब एक मोनास्ट्री की फ्ली मार्केट आया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मार्केट था। यहीं से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्लाका भी आ जाता है। तो मैं शाम को यहीं पे रुक गई थी बस से, एंड देन मैंने सब कुछ यहाँ पे अपने पूरा मार्केट को आराम से घूमा, एंजॉय किया। यहीं पे डिनर करके हम गए, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था मेरा सब कुछ। एंड अगर आप यहाँ पे कैब भी करेंगे तो बहुत ही चीप आती है। प्लाका और मोनास्ट्री के से निकल के एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था हमें, जयपुर पैलेस करके, बिल्कुल मार्केट के वहीं था एंड बहुत ही अच्छा खाना था। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। जयपुर पैलेस नाम है, प्लाका में है ये। ये जगह मेरे होटल से बहुत पास थी तो मैं वॉकिंग करके ही चली गई थी। अगर आप कैब करना चाहते हैं तो आप कैब भी कर सकते हैं। तो देखिए बस अब हम फिर से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर से हम निकल गए हैं। एक्रोपोलिस हमने नहीं घूमा था उस दिन, तो ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा ली थी एक्रोपोलिस के लिए। फिर से हम लोग वॉकिंग करते हुए एक्रोपोलिस घूमने चले गए। तो ये एक्रोपोलिस एक हिल का नाम है एंड पार्थेनॉन करके जगह है, जो कि देखिए इस तरीके से बनी हुई है। तो आराम से घूमिए, नॉमिनल चार्जेस है, अच्छा है घूमने के लिए अगर आप घूमना चाहते हैं। एथेंस में बहुत जगह मैंने देखा कि चीज़ें आप ऐसे ही घूम सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, चीपर था बाकी के सबके कंपैरिजन में। ये एक देखिए यहाँ की एक डिश है कि काफ़ी मिल रही थी, मैंने ट्राई किया, उसको बहुत ही यम थी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं अपने होटल आ गई हूँ, तो मेरा यूरोप ट्रिप अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। एंड जब मैं एयरपोर्ट पे गई तो मैंने बकलावा खाया, क्योंकि ये मेरा रह गया था ग्रीस में खाने का। यहाँ की बहुत ही स्पेशल डिश है, आप भी ज़रूर खाइए। अगर आपको कहीं नॉर्मल शॉप पे मिलती है तो वहाँ पे भी खाइए। तो बस अच्छी अच्छी यूरोप ट्रिप की यादें समेटते हुए बस अब मैं यूरोप से अलविदा ले रही हूँ। कहाँ कहाँ ठहरना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सबके वीडियोज भी मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।